क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है 20 ईयर्स अगो टीना इज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इट इज नाउ। टीना प्रेजेंट इज, क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 20 साल पहले टीना की जो एज थी वो कितनी थी, 1/3 उसकी एज से। तो बताइए प्रेजेंट एज क्या होगा। ठीक है, फिर से समझाते हैं। क्या कह रहा है कि जो 20 साल पहले टीना की एज थी वो उसकी एज से 1/3 एज थी, तो बताइए कि उनका प्रेजेंट एज क्या रहा होगा। ठीक है, करें शुरू करें। चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को मानोगे। ठीक है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ टीना, लगती है मीना एज, अच्छा बी एक्स ईयर ईयर्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लेक्चर जितने हमने लेक्चर नंबर 05 में जितने क्वेश्चन हमने शूट किए किसी में ईयर्स नहीं लगाए, कोई बात नहीं बेटे, क्वेश्चन जैसा था उस ऑप्शन जैसा था उसके हिसाब से हमने ऑप्शन को कॉपी किया है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ अलग अलग से करूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 साल पहले तो टीना क्या है, एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू, अपने एज के वो 1/3 थी। ठीक है, तो एक्स हो गया इंटू 1/3। देखो इसको पहले लिखो या बाद में लिखो बात एक ही। ठीक है, तो एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं वन, मान के एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। एक्स बाई 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और माइनस 20 को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे। ठीक है, एक्स प्लस तो माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 20 है तो प्लस 20 हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 1 की टेबल में 3 कितनी बार में, 3 बार में, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ और 3 बन जा 3। ठीक है, माइनस लिख दिया पहले, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो 1 ही मिलेगा इज इक्वल टू 20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मर्जी आपका चलेगा जैसा आप चाहते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई 3x को करेंगे तो 3x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई एक्स को करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ऐसे ही रहने देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 3। अच्छा कट गया, चलिए तो x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। देखो मल्टीप्लाई में था, राइट पे शिफ्ट करोगे डिवाइड में आएगा, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2। ठीक है, और जीरो है तो जीरो लगा दिया, या 2 10 जा 20, जैसा आप पढ़ना चाहो, जैसा आप खुद को सोचोगे वैसा आप पाओगे, यह हमेशा याद रख लेना। तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 3, x इज इक्वल टू 30 ईयर। कोई है ऑप्शन, कोई है, कोई है, चेक करो जरा, ऑप्शन बी बड़ा सही है। तो देखो भाई ये है एज का क्वेश्चन और ऐसे ही आपको करना है सॉल्व। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। लिखा 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि इज विल बी 4 टाइम्स द एज 15 ईयर अगो फ्रॉम नाउ, चला गया ऊपर है ना। चलो पूरा पढ़ ही लेते हैं। द प्रेजेंट इज कह रहा है हमसे कि
कि 15 साल बाद रवि का जो एज था, ठीक है, वो 4 गुनी था 15 साल पहले के एज के। तो प्रेजेंट एज क्या होगा? फिर से समझाऊंगा, क्वेश्चन मजेदार का है। कह रहा 15 साल बाद जो रवि का एज था, ठीक है, वो 15 साल पहले के 4 गुनी के बराबर थे। तो बताइए उसका प्रेजेंट एज क्या होगा? नहीं समझ में आया, मैं लिख के समझाता हूं। देखो सबसे पहले या तो मान लो, लेट द, यदि प्रेजेंट एज ऑफ रवि जी, रवि लगता है कवि, रवि एज लिख चुका है ना, BX ईयर, ठीक है, ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैंने सिखाया था? हमने आपको यह सिखाया कि अगर नाउ है, हेंस है, लेटर है, आफ्टर है, तो ऐड करना है। पहले ऐड करो, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स। देखो अब यहां आ गया, मैं यहां तक काम कंप्लीट हो गया। कहां तक हो गया? यहां तक, ठीक है, वहां फुल स्टॉप नहीं है लेकिन समझा रहा हूं, यहां तक हमने कंप्लीट कर चुका है। ठीक है आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? विल बी 4 टाइम्स द एज 15 ईयर अगो फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो x माइनस 15 करोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई x से करोगे, 4x, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो 15 चौक 60। 4x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ और 15 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, इसको लेफ्ट, इसको राइट, इसको लेफ्ट, इसको राइट। तो x माइनस 4x इज इक्वल टू -60, 15 उधर जाएगा तो -15 हो जाएंगे। सबट्रैक्ट करोगे, -3x इज इक्वल टू -75, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 ईयर। रवि जी का एज कितना था? 25 ईयर, ठीक है, रवि कह लो, कवि कह लो, कोई बात नहीं यार, चलेगा। ठीक है बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो दो क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कराएंगे। ऑप्शन आपका सी सही है, कॉपी किया जाए।